रियासते कर्नाटका में मुस्लिम स्टूडेंट्स के हिजाब और बुरखे को लेकर आए दिन तनाजा बढ़ते ही जा रहा है। अब नौबत यहां तक आ गई कि मुस्लिम कॉलेज स्टूडेंट्स अपने हिजाब और बुरखे को लेकर कॉलेज के बाहर धरना तक बैठ गई, यानी प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। हिजाब और बुरखे के मसला सबसे पहले उड़पी में एक गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज से शुरू हुआ, जो धीरे धीरे कोंडापुर पहुंचा और वहां से बेलगावी भी पहुंच गया। यानी मुस्लिम स्टूडेंट्स को कॉलेज में हिजाब या बुरखा पहनकर आने पर पाबंदी अब बढ़ते बढ़ते जा रही है रियासत कर्नाटक में। रियासत उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में 26 साल से नाइंसाफी के ऊपर लड़ रहे साबिका टीचर विजय सिंह उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के मुकाबले में 2022 का इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया है। इनका कहना है कि गुज़िश्ता 26 साल से रियासत उत्तर प्रदेश में नाइंसाफी, लैंड माफिया और कुछ ऐसे जराइम बढ़ गए हैं जिसको कोई भी पार्टी जीतने के बाद इसे काबू में नहीं ला सक रही, जिसके चलते इन्होंने खुद फैसला लिया कि गोरखपुर अर्बन से इलेक्शन लड़ने का, और वो भी मौजूदा उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के मुकाबले में। रियासत आंध्र प्रदेश के कडपा में एक आरएमपी डॉक्टर वेलमला नारायण राव ने हॉस्पिटल के डॉक्टर को फोन करके बताया कि वो डॉक्टर अशोक रेड्डी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वाईएसआर आरोग्यश्री से बात कर रहे हैं और आपके आरोग्यश्री के सैंक्शन की फाइल पेंडिंग में है, जिसको आगे बढ़ाने के लिए उसने 1.5 लाख रुपए का डिमांड किया डॉक्टर से। डॉक्टर ने हॉस्पिटल के डॉक्टर ने उसके अकाउंट में ऑनलाइन पेमेंट किया, मगर बहुत दिन गुजर गए, वहां से कुछ जवाब नहीं आने पर आरएमपी डॉक्टर के ऊपर पुलिस में शिकायत की। कड़पे के एक हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कड़पा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जांच के बाद पता चला कि इस तरह के कई अस्पतालों में आरएमपी डॉक्टर ने 14,80,000 रुपये गलत तरीके से वसूले, और इसी मामले में कड़पा पुलिस ने श्रीकाकुलम के आरएमपी डॉक्टर नारायण राव को गिरफ्तार किया और इस मामले में पूरी जांच कर रही है। रियासत आंध्र प्रदेश के नए अजलाओं को बढ़ाने के मामले में आंध्र प्रदेश मशायख बोर्ड के सेक्रेटरी सैयद जकाउद्दीन ने मौजूदा हुकूमत से अपील की के नए अजला के नामों में से 2 या 3 अजला के नामों को मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स का नाम करार देने का मुतालबा हुकूमत से किया। डिस्ट्रिक्ट का नाम अनाउंस किया है तो इन डिस्ट्रिक्ट के नामों में मुसलमानों का एक भी नाम उसमें नहीं रखा गया है। उन्होंने कहा कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह के नाम से एक डिस्ट्रिक्ट का नाम रखा जाए। रियासत तेलंगाना में मुचिंतल में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के मुजस्मे को ओपनिंग के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी शामिल हुए बहैसियत मेहमान खुसूसी, मगर तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव कल प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम में गैर हाजिर रहे। कहा जा रहा है कि केसीआर को बुखार हुआ, इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर को वेलकम करने और उनके साथ मुचिंतल और दीगर जगहों दूसरे प्रोग्राम्स में उनका साथ नहीं रहे। और वहीं दूसरी जगह से आवाज आ रही है कि केसीआर जानबूझकर ही इस प्रोग्राम में नरेंद्र मोदी का साथ नहीं दिया, क्योंकि वो बीजेपी पर नाराज है। सैयद महमूद पीर, ब्यूरो रिपोर्ट, द पीर टाइम्स।